मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वार्ता में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दतिया जिले के गोंदन थाना क्षेत्र के बिटारी गांव के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर से चार शताब्दियों पुरानी भगवान लक्ष्मण माता सीता की अष्टधातु की निर्मित प्रतिमाएं चुराने वाले हरियाणा के गैंगस्टर किरण पाल को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक दतिया प्रदीप शर्मा ने बताया कि इसके लिए दतिया पुलिस की तीन टीमों को पांच राज्यों में करीब 4,500 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी किरणपाल निवासी पलवल हरियाणा के ऊपर विभिन्न राज्यों में एक दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। 21 नवंबर को आरोपी किरणपाल पुजारी ध्रुवदास सेवादार मंगल धाकड़ राम सिंह धाकड़ अनिल धाकड़ एवं मंदिर में काम करने वाले मधु दीपक त्यागी को नशीले पदार्थ खिलाकर वहां से एक मोबाइल मोटरसाइकिल सहित माँ सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति को चुरा ले गए थे। किरणपाल मंदिर में श्रद्धालु बनकर रुका था। उसकी गिरफ्तारी पर आईजी ने 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। एसपी के मुताबिक आरोपी को 20 जिलों में तलाशा गया। अब तक उसके 14 अपराधों का पता लगा है। इनमें जहरखानी नारकोटिक्स एक्ट के ज्यादातर मामले हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यदि आरोपी किरणपाल जल्द नहीं पकड़ा जाता तो वह भीलवाड़ा के पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे देता। इसके कब्जे से चार मोबाइल मोटरसाइकिल मूर्तियां आदि मिली हैं। पुलिस के मुताबिक इन अपराधी के द्वारा दो ऐसे लोगों का भी पता बताया गया है जिन्हें जहर खिलाया गया था, लेकिन बाद में उनका कुछ पता नहीं चला। संबंधित थानों की पुलिस को आरोपी करणपाल की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दे दी गई है। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो इसी तरह की कुछ सफलता हमारी दतिया पुलिस को आज हासिल हुई है। 21 तारीख को भिटारी गांव में राम जानकी मंदिर से जो सेवादार थे और जो महंत जी थे उनके साथ जहर खुरानी करके एक व्यक्ति जो वहां शिष्य बताकर रुका था वो दोनों सीता जी की मूर्ति को और लक्ष्मण जी की मूर्ति को प्लस एक मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल लेकर यहां से फरार हुआ। आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का था जिसने किसी भी तरह का ट्रेस चाहे डिजिटल हो चाहे फोरेंसिक हो वहां पर नहीं छोड़ा। इसके बाद हमने तीन टीमों का गठन किया। तीनों टीमों ने पिछले 8 दिनों में करीबन 4,500 किलोमीटर ट्रैवल किया, 20 से ज्यादा जिलों को टच किया और अलग अलग जगह से जानकारी ली। उसके बाद जीरो इन करके आरोपी को चिन्हित किया गया। आरोपी बहुत शातिर किस्म का है और उसके ऊपर करीब 14 से ज्यादा अभी तक हमें जो रिकॉर्ड मिला है जहर खुरानी एनडीपीएस एक्ट इस तरह के मामले दर्ज हैं। इसका प्रयास था कि अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो भीलवाड़ा के जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहां से संभवतः एक या दो दिन में अगली चोरी अपनी कर लेता, लेकिन क्योंकि टीम ने उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया तो वो वारदात होने से रुकी। इसमें यह भी पता चला है कि दो ऐसे फरियादी हैं जिनके साथ इसने जहर खुरानी की घटना की थी परंतु वो भी अभी लापता है। तो हमने संबंधित थानों को भी सूचित किया और हम इनसे पूछताछ करेंगे उन दोनों व्यक्तियों के बारे में। इससे जब पूछताछ की गई इसमें करीब 20 ऐसी घटनाएं स्वीकारी हैं अभी तक जहां इसने मंदिर से मूर्तियां चुराई हैं और उनको फिर गलाकर उनमें जो इम्पोर्टेंट धातु है महंगा धातु है उसको बेचकर अपना खर्चा चलाता है। ये रहने वाला मूलतः लिखी गाँव का है जो पलवल हरियाणा में पड़ता है। इसके पास से अभी दो मूर्तियां एक मोटरसाइकिल 8 मोबाइल अल्पज रोल टैबलेट जो ये नील के लिए यूज करता था आधार कार्ड डेबिट कार्ड ये इस तरह से 100% मशरू का बरामद किया गया है। इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड के थाने हैं उन सभी को सूचित किया जा रहा है कि वो भी इससे पूछताछ कर लें। पूरी टीम में एसडीओपी साहब एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमारे थाना प्रभारी गोदन अनफसुल हसन साथ ही नंदनी शर्मा यादवेंद्र गुर्जर और एएसआई गजेंद्र भार्गव और इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और पिछले 7 दिनों से बिना सोए बिना खाए पिए इसमें लगे रहे। इनको आईजी साहब की तरफ से इसमें 30,000 रुपये का इनाम घोषित था वो दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल से 4 हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली राजस्थान और 5वीं अपन है मध्य प्रदेश।